What up, what up, what up? It's your boy Hit Human back at it again. तो फिर यार तुम लोग के बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद I am here with the part 2. But unfortunately अपन ने पिछला जो रिएक्ट किया था वही था मुनावर का थग लाइफ का पार्ट 2. तो वो बंदे का एक्चुअली स्ट्राइक डाउन हो गया है वीडियो एंड नसीब से हमारा अब तक कुछ हुआ नहीं है. सो वी आर हियर ऑन अनदर चैनल. B2B नाम है मुनावर फारूकी थग लाइफ. उससे पहले यार वो तो चेक करेंगे बट उससे पहले भाई. Hi, I'm Ashish, one of the co-founders of illpeoplemusic.com, and I have two major updates for you all regarding our Ill People Music Mega March Rap Contest. Firstly, as many of the participants requested, we are extending the last date to submit their entries for our rap contest to 15th of April. Now you have 15 more days, so please ensure you come up with best of your content. We have received the orders from small as well as major cities in India, but we still believe there are a lot many artists around India who want to showcase their talent. So we have decided to give 10 free entries, that means 10 free license beat to these talented artists. Now all you have to do is WhatsApp on the number given on your screen with your work links. We'll review those internally and get back to you in a few days. Stay tuned, thanks. Karanveer Bhora has been eliminated from the wild card contestants, bhai. Oh my god, wo to mere ko bahut bura laga. Theek hai, kafi logon ne mere ko question kiya ki yaar tu bol raha tha ye real show hai. Ab dekh le ye log ne kaise nikal diya Karanveer ko. But mera intuition keh raha hai ki Saisha aur Karanveer ko shayad se wild card bana ke wapas se re-entry karayenge. I don't know, hoga ki nahi. But haan, aaj aur ek cheez acha hua, theek hai? कि मुनावर ने समय रैना के भड़ो के खिलाड़ी वाले शो को ठीक है एकदम प्रमोशन दे दिया. ये एक्सप्लेन कर रहा है मुनावर कि यार वैसा शो था, मैं जेलर था. यकीन मानो मेरा एक दोस्त है समय रैना, ठीक है. हाँ. उसने एक पैरेडी गेम बनाया भड़ो के खिलाड़ी. अब वो ऑनलाइन वो गेम खेलता था, उसके सब वो एक लेवल आगे गया. क्या किया उसने, पुणे में एक लॉन बुक किया बड़ा, और वहां पे लड़के थे उनको बुलाया वहां पे कि एक तरह का गेम खेल रहा हूँ फिजिकल. तो इसमें बेसिकली ये 6 मिनट लंबा वीडियो है. पूरा वीडियो तो नहीं चलाऊंगा मैं, ठीक है. ये वीडियो का लिंक भी नीचे रहेगा, तुम जाके चेक कर रहा है. यहाँ पे नीतीश ठाकुर के बारे में भी बोला है कि उसने एक अपने स्पेशल दोस्त को पनवेल से बुलाया था. मुंबई में बोलता है इधर, बट या वी ऑल नो पनवेल कितना दूर है मुंबई से. तो नीतीश ठाकुर को पनवेल से पुणे बुलाया था जस्ट टू से कि भाई तू पनवेल से आया, इतना दूर से आया तो अभी निकल जाए, तेरे को जाते जाते टाइम लग जाएगा. ये सब वो कंटेस्टेंट्स को एक्सप्लेन करता है मुनावर. और फिर यार सब लोग हंसते रहते और कैसे पैसे बांटे थे वो सब डीपली एक्सप्लेन किया है. तुम्हें अगर चेक करना है तो लिंक मैं डाल दूंगा नीचे. समय रहना ओनली फैंस वाले पेज ने ये अपलोड किया है एंड भाई 2 लाख व्यूज चले गए भाई 15 घंटे के अंदर. वाव. अंजलि एंड आजमा क्यूट मोमेंट. मुन्ना क्या क्यूट मोमेंट बहुत ट्रेंड हो रहा है यार. क्या है क्यूट मोमेंट भाई ये तीनों का. सबको शूज दिए, इसको शूज पता है क्यों. वैसे भी यार टीम सारे तो स्प्लिट हो ही चुके हैं, बट मुनावर ने एकदम दिमाग लगा के आज के एपिसोड में बराबर स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी करी है. मेरे को भी लगता है कि यार अब टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट आई एम अफ्रेड ऑफ विनीत, ठीक है. वो कहीं काट ना दे किधर, बट या विल सी. इसके शूज लाइट वाले. किसके शूज लाइट वाले, मैं समझा नहीं भाई. क्या क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है जोक का इधर. सबको शूज दिए, आदमा को शूज क्यों नहीं दिए पता है लोगों ने. 30 डेज बाद मिल जाएंगे. नहीं, क्योंकि उसके शूज लाइट है. लाइट वाले. आजमा को शूज इसलिए नहीं दिए क्योंकि आजमा के शूज में लाइट है. क्या सीन है भाई, मेरे को क्यों नहीं समझ में आया जोक. डिमांड करूंगी मुझे लाइट बैटरी. मेरे पास भी है लाइट वाले शूज. तो अच्छा वो बच्चे वाले लाइट वाले शूज. तो फिर मुनावर अरे इसलिए बोला कि यार ये चलती है तो आवाज आते. नाइस नाइस. इसमें क्यूट मोमेंट कहाँ है भाई, ये तो फनी मोमेंट हो गया वापस से. अरे हाँ कावेश निशा का बच्चा, उससे भी छोटी. ये क्या देख रहा हूँ मैं यार. बैक टू थग लाइफ भाई, बैक टू थग लाइफ. कम ऑन मुनावर फारूकी थग लाइफ, लेट्स फकिंग गो. ओ विजय माल्या, विजय माल्या. मुनावर कुछ ही क्षणों पहले कंगना ये कह रहे थे कि इनके 128 कुछ व्यूज आ गए हैं, मिलियन व्यूज. ये कौन है भाई, ये सिद्धार्थ कनन शायद. इसका मैंने एक बार डीनो जेम्स का इंटरव्यू देखा था, बस दैट्स इट. बाकी इसकी क्या पर्सनैलिटी है, व्हाई इज ही अ थिंग. लाखों व्यूज होंगे राइट.
मुझे लगता है कि शायद आपको जो व्यूज आए हैं इसलिए नहीं आए क्योंकि आप कमेडियन हो और लोगों को हंसाते हो, शायद इसलिए आए क्योंकि आप सेंसेशनलिज्म यानी गालियों का उपयोग करते हैं। आप कभी वो मूवी देखने नहीं जाते जो ए सर्टिफिकेट होती है जिसमें गाली होती है? बराबर बराबर, क्या पॉइंट उठाया मुनावर भाई, एक नंबर। जाते हो या नहीं जाते? जी जाता हूँ। आप क्यों जा रहे हो? ये क्या सवाल होता है? ये गालियों के अगेंस्ट क्यों है सब लोग यार? आज भी मैं मूवी देखने गया था आज, ठीक है, अपना कश्मीर फाइल्स देखने गया था मेरे एक दोस्त के साथ। उसको पता नहीं बड़ा सा स्क्रीन देख के उसको चक्कर आने लग गया, फट गई उसकी, और फिर वो इंटरवल में बाहर बैठने लग गया। आई डोंट नो क्यों, फिर आया ही क्यों था वो मूवी पे। बट हाँ, एनीवेज, उसको मैं बता रहा था कि जो सुनील पाले या जो भी कॉमेडियन है, सॉरी वो पुराना वाला, तो फिर वो बंदा लाइक ही इज अगेंस्ट गालिया वालिया, यू नो, कि गालिया देते ये करते। तन्मय भट्ट के अगेंस्ट था बहुत, एंड फिर मुनावर को भी उल्टी पुल्टी चीजें बोली, फिर मुनावर ने क्या सही से हैंडल किया वहाँ पे, ये सब मैं उसको बता रहा था। तो वो बता रहा था अरे वो तो पुराना कॉमेडियन है, जनरेशन गैप है, समझना चाहिए ना ये वो। आई डोंट नो, यू गाइस टेल मी योर ओपिनियन कि क्या है बेटा। सुपरस्टार चार मसाला ऑमलेट, छह इडली वड़ा डोसा सांबर, 15 प्लेट कीमा। अरे भाई, मेरे को नहीं लगता यार वो लॉकअप में मुनावर जितना कोई एंटरटेनिंग भी है, आजमा नहीं वो लेवल पे नहीं है, बट थोड़ी सी। बाकी लोग कुछ कोशिश ही नहीं करते यार कुछ फनी करने की, या कुछ कभी कभी शिवम कर देता है, बट फिर उस दिन वो सिक्के डाल रहा था पैंट के अंदर, बोलता है भाई ये सिक्कों के चक्कर में मेरा सामान ना टूट जाए, दैट वॉज फनी, ठीक है। बट हाँ, मुनावर ही यार करते रहता है कॉमेडी। समय भी आज बता रहा था, आज नहीं एक पॉडकास्ट में बता रहा था श्वेताब गंगवार के साथ कि यार मुनावर ही उसमें एंटरटेनिंग रहता है। मुनावर जब रहता है तो 1 मिलियन वॉचिंग रहती है, वो जैसे ही चला जाता है तो फिर 200K हो जाता है। दैट्स द इम्पैक्ट मैन। चार डजन पाव और मिक्स फ्रूट जूस भेजो, 27 ग्लास और नारियल पानी, नहीं नारियल पानी नहीं, नारियल का एक झाड़ चाहिए। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? मैदान में नारियल का झाड़। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? Nice man, nice video यार, shout out to B2B, ये funny है। क्योंकि कैदी भी कभी इंसान था। कैदी भी कभी इंसान था। क्योंकि कैदी भी कभी इंसान था। क्योंकि कैदी भी कभी इंसान। Few moments later, बेनकाब जोन, ये वो, ये बगावत जोन है आज। फालतू का फालतू का खाली खोटा कुछ भी, ये सोच ये वो, हाँ नेसेसरी चीजें हैं बट इतनी भी जरूरी नहीं। ये खुद भाई, ये स्टार्टिंग के एपिसोड्स का है। मुनावर खुद उन लोग के साथ प्रोटेस्ट कर रहा था, उसके बाद मुनावर आके बोलता है ये सब फालतूगिरी है, मैं इसका पार्ट नहीं हूँ भाई, मैं बस मजे ले रहा था। हड़ताल कर लो, सीधा सीधा रूल फॉलो करो, रूल फॉलो करो, शाम में मिल जाएगा थोड़ा सबर। अत्याचारी जेल ऐसी थोड़ी है, वही ना, समथिंग भी दे देते वो लॉकअप, 5 स्टार, बढ़िया जगह, बहुत मजा आया। थोड़ी रिव्यू दे रहा है भाई होटल जैसा, लॉकअप 5 स्टार भाई, बहुत बढ़िया जगह है वो। नाइस मैन, सारी खेल तुम मत भेजो, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, मैं तो खाली मजे ले रहा हूँ भाई। सबको मैनिपुलेट कर दो, सबको करवाओ कि सब करेंगे, सब हड़ताल पे, सब सो जाओ, देख लो सजा देना, मेरे को मत देना। क्योंकि पता है मैं दिल से नहीं कर रहा हूँ, हाँ दिल से नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम लोग के लिए कर रहा हूँ। थैनोस के सामने, थैनोस से याद आया, अरे बेस्ट क्लिप, ये क्लिप के बाद शिवम इतना ट्रिगर हो गया था ना, बेस्ट क्लिप है ये वायरल चला गया था। इस साल लॉकअप सीजन 1 का थैनोस भी मैं हूँ और आयरन मैन भी मैं हूँ। क्या बात है, दोनों मर जाते। इसके पड़ गए थे फिर यार शिवम की बूम बाम की, पहला लगा कुत्ता हाँफ रहा है, माइक ड्रॉप हो चुका। ये कुछ भी बोलता था स्टार्टिंग में, ये बूम बाम, ये कुत्ता हाँफ रहा है, ये गरीबों की ऐसी, ये खाने के लायक नहीं, ये वो। भाई तुझे पता भी है मुनावर कितना फेमस है? तुझे आइडिया भी है, उसके म्यूजिक वीडियोस मिलियंस करते ब्रो।
माइक ड्रॉप की पुड़िया बना के अंदर ले ले अपने माइक ड्रॉप ठीक है रखा भाई खजूर है अजय अब यहाँ से मेरे रडार में दोनों कांड करूंगा ठीक है अब मैं दोनों का मोर बनाऊंगा देखना मोर बनाऊंगा बाप रे ऐसे कैसे ये मोर बनाऊंगा कौन डायलॉग कौन इन्वेंट किया यार मेरे को भी जानने के कैसे मोर बनाएंगे आई डोंट नो मैन इफ यू गाइस नो प्लीज फील फ्री एंड कमेंट डाउन बिलो एनीवेज मैंने दो दिन पहले एक वीडियो डाली थी विल स्मिथ के मीम्स के ऊपर बहुत फनी वीडियो है अगर तुमने वो अब तक चेकआउट नहीं करी तो यहाँ पे किधर तो रहेगा एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी यहाँ पे किधर तो रहेगा सो या दैट वॉज दैट मुनावर थग लाइफ पार्ट वन बट फिर हमने पहले रिएक्ट कर दिया बट हाँ अगर तुम्हें पार्ट टू पार्ट थ्री सब देखना है कंटिन्यूसली लॉकअप जब तक है तब तक हम आपको एंटरटेन करें तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को शेयर करो वीडियो को एंड हाँ कमेंट डाउन पीस आउट